स्कूटी ते जा रही महिला दा गोलियां मार के दिन दिहाड़े कतल कर दिता गया। मोटरसाइकिल ते आए बदमाश गोलियां मार के 9-2-11 हो गए। ता गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे तो एक खबर सामने आ रही है जिथे एक स्कूटी सवार 35 सालां दी महिला दा कतल कर दिता गया। इहदा दस दिए कि राजेंद्र पार्क थाणा इहदे अंतर्गत पैंदा है। दस दिए बदमाशां दे वल्लों गोलियां मारियां गईयां ने एक औरत दे जिसकी जिंदगी अते मौत हुण डॉक्टर के हाथ दे विच है। डॉक्टर पूरी वाह लाई हुई है डॉक्टर ने कि बच जाए। तो दस दिए कि 9 बजे अपनी स्कूटी से सवार होकर काम से जा रही सी महिला। तो जिवें ही वह सैक्टर 102 दे कोल पहुँचती है, पेट्रोल पंप दे कोल पहुँचती है, तो कुछ बाइक सवार नौजवान बदमाश जिहड़े ने उसके गोलियां मार जांदे ने। तिन्हां ने हैलमेट पाया होया सी, माफ करना मोटरसाइकिल ते दो जने सवार होके आए सी, दोहां ने हैलमेट पाया होया सी ते एक औरत दा गोलियां मार के कतल कर गए। हुण पुलिस कित्थों तक पहुंची है, कित्थों तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, महिला दा की हाल है, आओ जानते हैं। हमें रात को फोन गया यहाँ से रात को 10 बजे कि ऐसे ऐसे करके बात है कि आपकी बेटी को गोली मार दी। क्या करती थी बेटी, कहाँ रहती थी? कुछ बेटी रिद्धि सिद्धि ये सामने फ्लैट अपार्टमेंट इसमें रहती थी, इसका अपना ब्यूटी पार्लर का काम था। रात को 9:30 बजे किसी काम से गई, पता नहीं क्योंकि मेरे को इतनी बात हुई नहीं, वो बेहोश अभी तो गोली मार के चल गया। पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनके साथ सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या लगता है आपको, कोई रंजिश हो या फिर किसी से कोई बातचीत हुई? इसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है क्योंकि बेटी है बेहोश है, उसके बारे में बेटी बता सकती है, मेरे कुछ पता नहीं किसके साथ रंजिश है या क्या वाक्य हुआ। साल से यहाँ पे लगभग 13 साल से। इस दौरान कोई झगड़े की बात तो नहीं? कुछ झगड़े की बात कुछ नहीं। आपकी लगातार अपनी बेटी से बातचीत होती? कल सुबह बात हुई है कि छुट्टियाँ हो रही बच्चों की, मैं कल को आपके पास आ रही हूँ। कल सुबह बात हुई, चंडीगढ़ जाने की तैयारी कर। कल सुबह इसने अपने हमारे पास आना था कि बच्चों की छुट्टी है तो छुट्टियाँ पर वहाँ पर रहना था। सर पुलिस से बात हुई आपकी, पुलिस प्रशासन के यहाँ की, तो क्या कुछ उनका कहना है कि किस तरीके? पुलिस पूरी भागदौड़ कर रही है, क्राइम ब्रांच वाले हैं, इंटेलिजेंस वाले हैं, CID वाले हैं और जो पुलिस स्टेशन वाले हैं वो सभी बार बार आ रहे हैं, बार बार वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूछ पड़ताल कर रहे हैं, यहाँ भी हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमें आस है कि पुलिस प्रशासन हमसे हमें विश्वास दिलाएगा। किधर गोली जो है बिटिया को वो लगी है अगर आपको जानकारी? वो तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो बैक साइड से लगी है, वो आगे से निकल गई है, हमें नहीं मालूम कुछ डॉक्टर साहब के कहने के साथ जो डॉक्टर साहब ने कहा। फोन में बात हुई, कोई किससे लड़ाई झगड़े की बात तो नहीं? ऐसा कुछ मेरे को कुछ बात हुई, बात होता है।